भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने, उनकी कैबिनेट के तमामों सदस्यों ने नेशनल हेरल्ड को एक ऐसा हवा बना के प्रस्तुत किया है जिसके बारे में आज बात करना जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष को, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को आप सवाल जवाब के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आखिर केस क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा उसका बड़ा ही सरल उत्तर है। जिन लोगों को इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का एक अटूट अंग होता है स्थानांतरण चलना होता है, मतलब एक कदम चलना होता है। जहाँ रुपये का स्थानांतरण न हुआ और न हो सकता है तो वो बड़ी अजीब गरीब मनी लॉन्ड्रिंग है। अब क्यों नहीं हो सकता? आपने मान लीजिए कि सब रुपया आके बैठ गया यंग इंडिया बनाई एक ट्रस्ट कंपनी। ट्रस्ट कंपनी का शब्द नहीं कर रहा क्योंकि सबसे एक्ट में एक विशेष प्रावधान के अंतर्गत ये कंपनियाँ किसी को न मुआवजा दे सकती हैं, किसी को फायदा दे सकती हैं, किसी को परक्विजिट सैलरी इनाम कुछ नहीं दे सकती। उनके अंतर्गत कौन सी ऐसी कंपनी बनाई, इतनी बड़ी मुद्दा से बनाई हमने कि उसमें से एक पैसा बाहर नहीं जा सकता? और उसका हमारा इरादा, बदनाम इरादा, हमारा द्वेष वाला इरादा था कि उसे तो आप ये कह रहे हैं कि एक पैसा इधर से उधर हुआ नहीं लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल हुआ नहीं और कानून के अंतर्गत हो नहीं सकता और दिखाया नहीं आज तक किसी ने, ये आरोप ही नहीं दिखाना पूर्व की बात है, आरोप ही नहीं कि यंग इंडिया से कौन सा रुपया माननीय मिसेस गांधी, माननीय राहुल गांधी, माननीय किसी और गया कि नहीं, ये आरोप ही नहीं। उनका कहना एक दूसरा है जो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मुद्दा तो अपने आप में यही फ्लैग गिर जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। एक और मिथ्या फैलाई जाती है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी ने आके एजीएल को पूरी तरह से अक्वायर कर लिया, एजीएल के सारे एसेट्स यंग इंडिया के हो गए, एजीएल का अस्तित्व ही नहीं रहा, जो झूठ है। लेकिन किस तरह से आप आपने सही कहा कि जो अस्तित्व नहीं रहा यही बाकी सबसे महत्वपूर्ण। अगर कोई कंपनी और इस केस में एजीएल के 95-90% शेयर्स यंग इंडिया के पास हैं, ये तो विवादित ही नहीं, जो 20 साल से मालूम है लिखा हुआ है। अगर मैं ये कंपनी आपके 100% शेयर होल्ड करता हूँ, आप एक कंपनी और कंपनी बी के पास ये संपत्ति है, अचल संपत्ति, मूलभूत संपत्ति, तो ये 50 साल पुराना काम है कि कंपनी ए यदि भी शेयर होल्ड करती है उसका कोई मालिकाना हक, उसका कोई भी प्रभाव, कंट्रोल कंपनी बी के किसी भी अचल संपत्ति पे या किसी भी एसेट पे नहीं होगा। ये बच्चा कसदर में 1955 में 70 साल पहले, 60 साल पहले निश्चित हुआ। अभी 2012 में वोडाफोन नामक एक केस में निश्चित हुआ। अब दूसरी बात, ये यद्यपि मैं आपके शेयर होल्ड करता हूँ 90%, आपका एंटिटी, आपका आइडेंटिटी, आपका हस्ताक्षर एक अलग है, मेरा अलग है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, जो भी मालिकाना हक है एजेल, उसका सब रुपया एजेल पर, रुपया तो दिया जाता नहीं। ये बात चौथा अंतिम जी, अगर कभी भी एजेल देगी कुछ रुपया यंग इंडिया को, जो नहीं देने की आवश्यकता है कभी कोई ऐसा, तो वो रुपया भी यंग इंडिया में रहेगा, वो बाहर दे नहीं सकती। ये दो चीजें बहुत आपने साफ तौर से बोली कि अगर कभी एजीएल पैसा देता भी है यंग इंडिया को तो वो उसके शेयर होल्डर्स को, उसके लोगों को नहीं मिल सकता है। ये क्लैरिटी जरूरी। और एक आपने और भी उससे जरूरी बात कही जब आपने कहा कि यंग इंडिया जो है वो मालिकाना हक नहीं रखती है, इट्स अ शेयर होल्डर। एक बहुत मिथ्या बताई जाती है कि एजीएल के शेयर होल्डर्स के साथ धोखा हो गया। एजीएल के शेयर होल्डर्स, जहां तक मेरी जानकारी है, एजीएल के शेयर होल्डर्स जितने थे वो आज भी है, यंग इंडिया का भी जो स्वरूप है वो एक शेयर होल्डर के रूप में है। Am I right? बिल्कुल 100%। उस वक्त जब ये हुआ तो ये ध्यान दिया गया और बोरा जी ने ये कहा भी है, लिखा भी है कि हमने सूची देखी। आप जानते हैं हर कंपनी के शेयर होल्डर्स की सूची होती है, वो सूची आपके पॉकेट में नहीं होती, वो आरओसी के साथ फाइल होती है। उस सूची के अनुसार एक नोटिस दिया गया, नोटिस दिया गया उन सब शेयर होल्डर्स को, वो सब वहाँ प्रस्तुत हुए या उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया? जब उन्होंने विरोध नहीं किया तो जितनी भी ऋण था एजीएल का उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। अब जब ऋण को आप इक्विटी में बदलते हैं, बहुत आम चीज़ होती है, हर कंपनी करती है, हर
हजारों ने किया, टाटा बिरला सबने किया जी हाँ, तो निश्चित रूप से जो उसका मूल्य होता है उस मूल्य के अनुसार या चालीस प्रतिशत शेयर होल्डर बन गए, 5% जो पुराने शेयर होल्डर वैसे के वैसे बने, न मैंने आपको गिराया शेयर होल्डर की सूची से, न मैंने हटाया, न मैंने आपका कोई हस्ताक्षर मिटाया, अब वो लोग सब वैसे के वैसे। सबसे महत्वपूर्ण, किसी ने कोई याचिका फाइल नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि भाई आप कौन होते कहने के लिए मेरे शेयर तो मेरा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ और कोई कह रहा है, ये सब राजनीतिक चीज है। एक सवाल जो बहुत जरूरी है पूछना वो ये है, और आई थिंक क्योंकि आप कांग्रेस की विचारधारा में यकीन करते हैं, आप कांग्रेस में आस्था रखते हैं, एक अजीब सा सवाल पूछा जाता है और नेशनल हेराल्ड का एक इतिहास है, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे लोगों ने स्थापित किया था, क्योंकि भारतीयों का पर्सपेक्टिव, उनकी आवाज आजादी के दौरान इसी अखबार से उठ रही थी। एक अजीब सा सवाल पूछा जाता है, आखिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी थी एजेएल को लोन देने की? इसके लिए इतिहास समझना और जो आम चीज होती है जिसको आज तक किसी ने गलत नहीं समझा, सिर्फ एक सुब्रमण्य स्वामी की याचिका का फायदा उठा के सरकार ने आज बहुत बड़ा इशू बना दिया, वो जानना आवश्यक है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, आप जानते हैं कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड करीब 70 साल की हमारी एक थोड़ा सकारात्मक एक प्रयत्न रहा है, एक संबंध है। अब सी भी सब जानते हैं कि ऐसे अखबार वाणिज्य के आधार पर कोई मुआवजा नहीं होगा, कमर्शियल न बन सकते हैं न हो सकते किसी भी, मेरे हो बीजेपी के हो आज से हो किसी के, इसलिए 10 वर्ष विचारधारा के लिए बनाए जाते हैं और इनका उद्देश्य भी नहीं होता, उस जमाने में और भी कम था जी। अब करीब 60 साल के ऊपर अलग अलग समय पे कहाँ भी वेतन बोनस ग्रेचुटी कई बार देने पैसे नहीं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं आएगी तो कौन आएगा, बीजेपी आगे देगी समर्थन इसके बाद, तो एडहॉक बेसिस पे चेक द्वारा अलग अलग समय पे 30-40-50 साल में कभी इतना करोड़ कभी इतना करोड़ वेतन का भुगतान किया गया, बोनस का भुगतान किया गया, ग्रेचुटी का वो पूरा बनती 80-90 अभी हाल में 2010 या 5, उसके बाद निर्णय किया कि अब इसको पूरी तरह से मॉडर्न आधुनिक बनाना चाहिए, इसका एक प्रगतिशील एफिशिएंट जिस तरह से कंपनीज रन करती है वैसे करना चाहिए, उसमें दो चीजें आवश्यक, एक तो इतना बड़ा जो ऋण है इसको हटाना चाहिए। अब ऋण हटाने के लिए एक और कंपनी बनाई गई जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुनाफिडेट दिखाती है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, उस कंपनी में जो ऋण था 80-90 करोड़ का उसके मूल्य के बराबर शेयर इशू हो, इससे बैलेंस शीट एजीएल की साफ हो गई, कम से कम ऋण हट गया, ऋण हटा शेयर मिले यंग इंडिया को, यंग इंडिया को जो शेयर मिले उसके बाद यंग इंडिया निश्चित रूप से उसकी शेयर होल्डर थी, लेकिन जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलती रही है, और फिर प्रयत्न किया जा रहा था कि नई प्रेस आए, नए कम्पिटिटर भी लाए गए थे बीच में, इस सब के दौरान कांग्रेस ने समर्थन किया और कांग्रेस ही देगी ये असाइनमेंट यंग इंडिया को, और कौन देगा, कांग्रेस ही समर्थन करेगी, और कांग्रेस से संबंधित होने के कारण सिर्फ इसलिए बार बार कहता हूँ सिर्फ इसलिए वो अध्यक्ष है, उन्होंने अपना नाम एंड किया, वो राहुल गांधी जी वगैरह वगैरह कांग्रेस से वरिष्ठ नेता तो कौन बनेगी उसको, और वो बने उनको संबंध के लिए आप आज बुला रहे हैं, एक और महत्व बुलाते हैं सुप्रिया जी, आप किससे बुला रहे हैं, आज ये 10-7-8 साल से ये सब सार्वजनिक रूप से सब सामने है, दस्तावेज सब सामने है, कोर्ट में है, तो आप पूछताछ किससे करेंगे, ये पूछेंगे ये कागज हमारे पास 7 साल से, आप आइए हमारे पास बैठी 6 घंटे, उनको 55 घंटे बिठाया, ये सब राजनीतिक अपमान और पूछापन और शिक्षापन। बिल्कुल, और एक चीज मैं दर्शकों को आपके माध्यम से जरूर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सत्य में यकीन रखते हैं जानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को इससे कोई इनकम नहीं मिली तो आप उसको इनकम टैक्स में नहीं दिखा सकते, और इसीलिए जो दूसरा विवाद है अंत में मैं दूसरा विवाद जो है उसमें इनकम टैक्स में ये नहीं लगा मिली जी, उन्होंने डीम्ड इनकम लगाई जी हाँ, और मानते हैं कैसे हो सकते हैं आपको मिलनी, हम मान के चलेंगे कि आपको मिलती है और आपके हाथ में टैक्स, वो भी अभी संतुलित से जी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसको ऐसे समझना कि ब्रह्म वाक्य है जी जवाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी मिथ्याएं हैं यंग इंडिया एजीएल नेशनल हेराल्ड को लेकर, और आशा है कुछ मिथ्याओं को आज हम आपके सामने ठीक से ध्वस्त कर पाएंगे, और आगे की जो मिथ्या और जो दुष्प्रचार मोदी सरकार करेगी जरूर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको एड्रेस करने का, उसको ध्वस्त करने का काम करेगी।